सेवा कैसे और किसकी करें, बस प्रश्न इतना ही है। सेवा सेवा किसकी करें? हर महापुरुष भारत में जो जन्मा है, सेवा तो एक ही बताया है, साधु वही जो सेवा जीते, जो सेवा सदगुरु पावे, बलिहारी वह सत्य गुरु की जो वह गुफा लखावे। साधु वही होता है जो सेवा जीत ले। सेवा किसकी करें? ये देश सेवा, वही माता पिता की सेवा। सेवा किसकी? मोक्ष पाना है तो जो सेवा सदगुरु पावे, जो सौभाग्य से सेवा सदगुरु की मिल जाए। गुरुओं की तो लाइन लगी है, गुरु की क्या पहचान है? ओ बलिहारी वह सत्य गुरु की जो वह गुफा लखावे। मैं उस गुरु के ऊपर अपने आप को न्योछावर करता हूँ, बलि चढ़ाता हूँ, मन कर्म वचन से समर्पित करता हूँ, जो वह गुफा लखा दे जहाँ से आकाशीय शब्द प्रसारित होता है, भगवान की अपूर्व सही वाणी जागृत होती है। इसी का नाम भजन की जागृति है। नहीं हरि भक्ति ने साधु की सेवा, नहीं सत्कर्म कियो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, इतने में चोला छूट गयो, उम्र सब धोखा में खोए दियो बाबा। छोड़ो, गीता में भगवान ने कहा अर्जुन, सेवा तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेविया, उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। इसलिए अर्जुन, तो तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर, भली प्रकार सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके, तो उस ज्ञान को प्राप्त कर वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने से, करने के उपरांत ही उस ज्ञान की सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं, वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? यज्ञात्वा पुनर्मोहमेवं यशसि पांडवा, येन भूतान्यशेषेन दृश्यस्यात्मन्यतो मयि। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तो इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा, अर्थात सभी प्राणियों में उसी एक परमात्मा को आत्मभाव का प्रसारण देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसारण को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा।
अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतुमः सर्वं ज्ञान पल्लवे नैव बृजिनम संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निस्संदेह भली प्रकार तर जाएगा। इसका आशय आप ये न लगा लें कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है, कहीं आप भ्रम में न रहें कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पाप नहीं लगेगा, ऐसी कोई गुंजाइश न निकालें। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएंगे। आप भजन एक परमात्मा का पाने की विधि तत्वदर्शी महापुरुष अनादिकाल से उस आत्म तत्व को पाने की विधि संतों के द्वारा ही है। वो होते हैं तत्वदर्शी। पूरा सदगुरु ना मिला, मिली न सांची सीख, और वेश जप्ती का बनाए के घर घर मांगी भीख।